तो यहाँ पर आए हुए हैं दोस्तों, और यहाँ पे लगभग लगभग 7 किलोमीटर और बची हुई है, 15 मिनट का रास्ता और है। तो दोस्तों मैं पहुँच चुका हूँ चैतुरगढ़ के पार्किंग में, और यहाँ से ऊपर जाने के लिए गाड़ी के परमिशन लगता है, और परमिशन खुद के जिम्मेदारी पर लेकर जाना पड़ेगा। मैं भी यहाँ पर अपनी पोहा आ गया है, और यहाँ पर मार्केट लगती है, मतलब ये छोटी वाली ओमनी वेन है जो किडनेपिंग गाड़ी है, उसमें आता है सब्जी बेचने के लिए। भाई ताला खोले बार। हाँ हाँ भाई, हे भगवान। तो यहाँ सी द्वार है, और यहाँ पे रुके भाई, क्या जबरदस्त घाटी है, तड़ 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 तड़, यही से ऐसा मोड़ है। घुमाने का कार क्या सही है, बेलनो है, बेलनो। हाँ और चढ़ा कोई गाड़ी मिल जाएगा भैया? नहीं, बेलनो नहीं ये मिलेगा। ओनली हाँ हाँ बेलनो पूरा है, कोरबा टूर करा कोरबा देंगे, टूर। कम पैकेज ये चीज़ तो आप लोग को दिखा दिया था, समझ में आ गया होगा, क्योंकि हम लोग उस रूट से आए हैं ना, ठीक है। वहाँ से आप लोग हेलीपैड के लिए जाओगे, ये वाली तालाब है, ये वाली मंदिर है, और इधर से गुफा जाओगे। पर है कॉटेज, बोले तो रूम, आप लोग यहाँ पर रुक सकते हो, और ये है भाई सेल्फी जोन, व्यू पॉइंट बोल सकते हो, काफ़ी खूबसूरत सा व्यू जो है, जगह है, हिल स्टेशन जो है, यही है भाई वो व्यू पॉइंट, देख पा रहे हो इस तरीके से नज़ारा, पूरा धुंध ही धुंध नज़र आ रहा है। सो मैं पहुँच चुका हूँ दोस्तों शंकर गुफा पर, देख पा रहे हो नेचुरल गुफा है, और यहाँ पर कुआँ है एक बहुत ही पुराना, इसको कुंड बोला जाता है, ऊपर से पानी। हेलो एवरीवन, कैसे आप सब? आई होप कि आप स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। दोस्तों आज की इस नई वीडियो पर हम आ चुके हैं चैतुरगढ़, जहाँ पर आदि शक्ति माँ महिषासुर करके मंदिर है यहाँ पे, और काफ़ी खूबसूरत सा जगह है ये, छत्तीसगढ़ के कश्मीर के नाम से भी जाना जाता है। तो यहाँ पर पल्ली से लगभग लगभग 30 किलोमीटर और कोरबा से लगभग लगभग 70 किलोमीटर की दूरी पर है। देख पा रहे हो मेरे पीछे गाड़ी खड़ी हुई है इस तरीके से। हम लोग रात के लगभग लगभग 12 से 1 बजे के बीच में निकल गए थे भाई भिलाई से, और यहाँ पर आ चुके थे, सुबह सुबह पहुँच चुके हैं। और ये देखो भाई, छोटा सा कुत्ता है, लेकिन इसका पैर टूट गया यार, बेचारे का फिसलते हुए चल रहे, देख रहे हो इस तरीके से। तो यहाँ पर आए हुए हैं दोस्तों, और यहाँ पे लगभग लगभग 7 किलोमीटर और बची हुई है, 15 मिनट का रास्ता और है, और बहुत ही अच्छे अच्छे खूबसूरत खूबसूरत नज़ारे देखते हैं, और बीच में लोमड़ी भी दिखा है। इसके बाद आप लोगों को देखने को मिलेगा कितना मज़ा आया, बहुत मज़ा आया, रात का सफ़र किए हैं, और अभी फिलहाल रोड का नज़ारा दिखाएंगे आप लोग को, जाएंगे 15 मिनट का और रास्ता बचा हुआ है, काफ़ी खूबसूरत सा हिली एरिया है और बहुत बढ़िया जगह है। तो चलिए चलते हैं बिना किसी लेट किए हुए, और वीडियो को लास्ट तक जरूर बने रहना, चैनल पर नया हो तो सब्सक्राइब कर लो ताकि नई नई वीडियो के अपडेट आप तक पहुँच सके। पर दोस्तों गांव की एक चहक चहक आती हुई चिड़िया की आवाज़, गाय खड़ी हुई है, और सूरज बाबा यहाँ पर निकल रहे हैं, देख पा रहे हो यहाँ पर आदि शक्ति माँ महिषासुर का बोर्ड लगा हुआ है। दो रास्ता दिखेगा, इधर नहीं जाना आपको, इधर जाना है, ये वाली रोड है चैतुरगढ़ ए मुर्गी। तो दोस्तों मैं पहुंच चुका हूं चैतुरगढ़ के पार्किंग में, और यहां से ऊपर जाने के लिए गाड़ी के परमिशन लगता है, और परमिशन खुद के जिम्मेदारी पर लेकर जाना पड़ेगा। मैं भी यहां पर साइन किया हूं, और परमिशन लेने के बाद यहां पर से ऊपर जाने वाले हम लोग। पहले ब्रश करता हूं, ब्रश जी भी कोलगेट दोनों तीनों रखा हूँ मैं, यहीं पर ब्रश करते, यहीं पर चाय पी ली है अभी, तो चलिए ब्रश करते हैं, उसके बाद अपन कंटिन्यू करेंगे अपना, यहाँ से गाड़ी में जाएंगे या फिर पैदल जाएंगे, वो देखते हैं अभी फिलहाल। तो पार्किंग यहाँ पर गाड़ी खड़े कर दिए भैया लोग हैं सबके साथ, और ये देखो यहाँ पर अभी हम लोग ब्रश करने वाले, यहीं पे पानी है, ये देखो गैया कुत्ते सब बैठे हुए हैं, और यही पार्किंग है भाई, पार्किंग एरिया है, यहाँ पर कुछ खा पी सकते हो, पोहा का नाश्ता बन रहा है, उसको खाएंगे अभी, ब्रश व्रश कर लेते हैं। ये अपनी पोहा आ गया है, और यहाँ पर मार्केट लगती है, मतलब ये छोटी वाली ओमनी वेन है जो किडनेपिंग गाड़ी है, उसमें आता है सब्जी बेचने के लिए, अब कहाँ से आता है, लेकिन यहाँ पर सब्जी बेचने आया भाई, इतने आउट एरिया में, देख पा रहे हो। और यहाँ अपन लोग कुछ खा रहे हैं, पोहा बना है अभी, दबाते इसको फिर मिलता हूँ मैं। पार्किंग से निकल गए हैं, यहाँ पर दुकान वगैरह लगी हुई है, यहाँ पे ये देख पा रहे हो, यहाँ पे नाश्ता वगैरह सब जब किए हैं, और उसके बाद पार्किंग से निकलने के बाद हम लोग बढ़ रहे हैं अब आगे पहाड़ी की ओर कार लेके, और आगे दरवाज़ा खोलना पड़ेगा भाई, ताला वाला लगा हुआ। यहाँ से अभी दरवाज़ा खोलते हैं भाई, चाबी से खोलता हूँ, रुको। कहाँ पर? वहीं पर, वहीं पर जहाँ हम चाय पी रहे थे, वहाँ पर तो संतोष भी है ना। भाई ताला खोले बार। हाँ हाँ भाई, अति खतरनाक रोड है भाई, देखो कैसे ऊपर है, और यहाँ से दरवाज़ा खोल लिया हूँ मैं, गाड़ी पे बैठते हैं ऐसे 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 ऐसे, बारिश के दिन में क्या जबरदस्त झरना आती होगी ना।
ये देखो चैतुरगढ़ का क्या नजारा है भाई। चलो भाई बैठो बैठो बैठो। देखा तो संगवारी हो, देखा तो ऐसा ऐसा घाटी भाई जबरदस्त जबरदस्त। हमारे साथ है संतु भैया मेन। हे भगवान, तो यहाँ सी द्वार है और यहाँ पे रुके भाई, क्या जबरदस्त घाटी है। तड़ 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 यही से ऐसा मोड़ है और अगर पैदल आओगे तो ये शॉर्टकट भी है आप लोग के लिए। देखो ये, और ये भाई बवाल नज़ारा है यहाँ पे, नज़ारा देखिए। ये देखो अभी और ऊपर चढ़ना है। ये क्या चीज़ है यार, यहाँ पे कोई महल वहल था ना भैया? सो दोस्तों, जैसे कि मैं बता रहा था आपको, सी द्वार यहाँ पे लिखा हुआ है और ये बना हुआ है कुछ महल टाइप, जो कि टूटा फूटा लग रहा है। पत्थर बहुत पुराना लग रहा है, आप देख पा रहे होगे इस तरीके से। और यहाँ पर भी है और वहाँ पर भी है, पूरे ऐसे पुराने पत्थरों से बना हुआ है ये इस तरीके से है। और अभी भी हम लोग इस रूट से जाएंगे, बहुत ख़तरनाक घाटी है भाई। फिर भी मोड़ माड़ के मस्त गाड़ी यहाँ पर हमारी खड़ी हुई है, देख पा रहे राहुल भैया हैं, सब लोग हैं। तो क्या नज़ारे भाई, सूर्योदय हो चुका है, सुबह सुबह मॉर्निंग का टाइम है, बहुत खूबसूरत नज़ारे हैं। और सुबह सुबह टाइम ही आना, क्या ही बेहतरीन नज़ारे देखने को मिलेगा आप लोग को। और मेरे हिसाब से अगर कार वार में आ गए, बाइक वाइक, तो बाइक वाइक तो ऊपर आ जाएगा, कार वार भी ऊपर आ जाता है। सुंदर सुंदर नज़ारे देखना है तो भाई चैतुरगढ़ तो आना ही पड़ेगा ना दोस्त। सी द्वार से निकल गए हैं दोस्तों अभी फिलहाल, और आगे बढ़ रहे हैं बस घाटियों पे। दोस्तों हम लोग पहुंच चुके हैं महिषासुर मर्दनी माता रानी का मंदिर, और यहाँ पर है मंदिर। और तो चलिए दोस्तों दर्शन करते हैं माता रानी का। हम लोग तो ऊपर आ चुके हैं, काफ़ी सारे मोड़ भी आए हैं, काफ़ी सारे घाटी में मज़ा भी आया। तो आप भी अगर कार में अगर चलाने वाले अच्छा हो तो आप भी एक बार ट्राई करना इसमें। बाकी अगर नया नया ड्राइवर है तो बिल्कुल ट्राई मत करना। हमारे साथ संतु भैया थे तो यही किए। अगर आप लोग नंबर चाहिए तो मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा। कार क्या है, बेलेनो है? बेलेनो हाँ, और कोई गाड़ी मिल जाएगा भैया? नहीं बेलेनो ही, कोरबा टूर करा, कोरबा टूर। सो यहाँ पर है भाई एक रुकने का, खाना पीना खाने का व्यवस्था के लिए काफी अच्छा सा रहने के लिए बनाया गया है। यहाँ पर कुछ खा पी सकते हो बढ़िया सा। और हेलीपैड पहुंचे मार्ग मड हाउस करके लिखा है, यहाँ पर भी कुछ खा पी सकते हो। ये देखो गाड़ियाँ आई हुई है यहाँ पे। और यहाँ से अभी हम लोग मंदिर जाते हैं माता रानी का दर्शन करने के लिए। यहाँ पर कुछ लिखी हुई है, अपील लिखा हुआ है, पढ़ लो इसको। पर्यटन स्थल चैतुरगढ़ में को साफ सुथरा रखना है, ये भी पढ़ लीजिए आप। और अभी आगे बढ़ते हैं, अभी व्यू पॉइंट जाने के लिए रास्ता ये है। जहाँ तक एतिबर कहाँ जाते हैं महाराज? हैं एतिबरले? अच्छा एतिबरले गुफा जाते हैं। अच्छा ये बने हुए, अच्छा ये वाली पॉइंट है भाई। वो तालाब के बगल में हेलीपैड है, मंदिर है, मंदिर के बगल में एक गुफा है।
ये चीज़ तो आप लोगों को दिखा दिया था, समझ में आ गया होगा, क्योंकि हम लोग उस रूट से आए हैं ना, ठीक है। वहाँ से आप लोग हेलीपैड के लिए जाओगे, ये वाली तालाब है, ये वाली मंदिर है, और इधर से गुफा जाओगे, और क्या है, वन कुटरी भी इधर ही है। चलो अभी दर्शन करते हैं माता रानी का बहुत बढ़िया से, और यहाँ पर चैतुरगढ़ वन क्षेत्र में हिंसक वन प्राणी विचरण करते हैं, मतलब आते रहते हैं भालू शेर वगैरह। तो और इस तरीके से देख पा रहे हो कितना सुंदर सा है, यहाँ पर लिखा हुआ है, ये चीज़ भी पढ़ लो। यह अधिकतम 1958 के 24 के तहत राष्ट्रीय महत्व का घोषित किया गया है, तो ये चीज़ आप लोग रोक के भी देख सकते हो। ये देख पा रहे हो इंग्लिश हिंदी दोनों में लिखा हुआ है, ठीक है दोस्तों। अभी आगे बढ़ते हैं। सो दोस्तों यहाँ पर भी बहुत कुछ लिखा हुआ है, कब से मंदिर बना हुआ है, पूर्व निर्देशक, और ये पूरा लिखा हुआ है, पढ़ लीजिए, आप रोक के पढ़ सकते हो इसको। एक बार दिखा देता हूँ मैं पूरा, ये देखिए, समुद्र तल से लगभग 1097.5 मीटर की ऊंचाई पर पहाड़ी को चोटी पर पहाड़ी स्थित है, मंदिर स्थित है, मतलब कि भारतीय पुरातत्व। और ये देखिए व्यू इस तरीके से है, काफ़ी सुंदर सा स्थान है ये, बहुत अच्छी मंदिर की जगह है, देख पा रहे हो। ये वाली तालाब है, यहाँ पर भी जाएंगे देखेंगे, और हम लोग गुफा भी जाएंगे दोस्तों। अभी शिव जी की गुफा है, ये मंदिर का पीछे बैकग्राउंड साइड देख पा रहे हो इस तरीके से, कितनी सुंदर लग रही भाई माता रानी के झंडे, और बहुत सुंदर लग रही देखिए। सो दोस्तों ये रहा मंदिर, देख पा रहे हो इस तरीके से, यही है माता रानी का मंदिर, जो कि चैतुरगढ़ का, देख पा रहे हो काफ़ी खूबसूरत से मंदिर लग रहा है, और झंडा जो है यहाँ पर है, और यहाँ पर हनुमान जी भी देख पा रहे हो आप लोग, और बंदर भी है, वही हनुमान जी के रूप में है, और यहाँ पर हनुमान जी है साक्षात, ये देख पा रहे हो इस तरीके से। यहाँ पर दान पेटी बनी हुई है, यज्ञ कुंड बनी हुई है यहाँ पे, यज्ञशाला इस तरीके से। इस तरीके से सीढ़ी चढ़के, और यहाँ से चलते हैं अंदर माता रानी का दर्शन करने के लिए। ये देख पा रहे हो कई सारे खंभे बने हुए हैं यहाँ पे, ये देखिए, यहाँ पर वीडियो बनाना अलाउ नहीं है दोस्तों, ये देख पा रहे हो फोटो वीडियो बनाना। और यहाँ पर माता आदि शक्ति माँ महिषासुर मर्दनी करके लिखा हुआ है, ये देख पा रहे हो माता रानी का मूर्ति, ये इस तरीके से है, काफ़ी खूबसूरत सा। अभी ताला मार के गए पंडित जी, वो थोड़ा कुछ काम से, और उनसे हम लोग बातचीत करेंगे कि मंदिर कब से है, कैसे है, क्या चीज़ है इनका खासियत। तो ये देख पा रहे हो, मैं घंटी बजा लेता हूँ एक बार। तो दोस्तों यहाँ पर महिषासुर माता मर्दनी का दर्शन करिए, देख पा रहे हो इस तरीके से, यहाँ पर नाम भी लिखा हुआ है, महिषासुर मर्दनी माता रानी। तो जय माता दी दोस्तों, आप सभी को घर बैठे दर्शन करा रहे हैं, देख पा रहे हो इस तरीके से, इतने रात को सफ़र करके आए हुए हैं। तो चलिए दर्शन हो गया माता रानी का, अभी बाहर निकलता हूँ मैं। यहाँ पर मंदिर देखने को मिलेगा आप लोग को, और उधर जैसे कि गुफा बताया हूँ, तो यहाँ पर तालाब जाने के लिए भी रास्ता है, आप लोग को दिखा देता हूँ मैं इस तरीके से। और हम लोग तालाब जाते हैं, इस तालाब में है क्या चीज़ खासियत, क्योंकि ये भाई कितने ऊपर में तालाब है, आप लोग ये भी सोचो कि बहुत ज़्यादा ऊपर धरातल से, मतलब नीचे से कितना ज़्यादा ऊपर में है, ये देख पा रहे हो चैतुरगढ़ महामाया तालाब, ये लिखा है भाई, और ये तालाब है भाई, देखिए कुछ इस तरीके से, ये देखिए पहाड़ों के बीच में इतने ऊपर में तालाब देखने को मिलेगा। हाँ यहाँ पर पढ़ सकते हो, गर्गज तालाब समुद्र सतह से 3060 फीट ऊपर, बूढ़ा देव जाने का रास्ता, यहाँ से बूढ़ा देव जाने का भी रास्ता हुआ, जो कि गर्गज पहाड़ के वन में है। तो इसका तो लोकेशन मुझे मालूम नहीं, लेकिन पूछते हैं अगर पता चल जाएगा तो। अभी फ़िलहाल मैं जाता हूँ गुफा के ओर देखने के लिए।
अब ये अंगनाई भसक गए रहे जी। अब मंदिर है बहुत पुराना है जाना, तो वो 1787 के वो महाराजा मन के बना ले जी लाफागढ़ के। हाँ वही, अब गुफा में वही शिव जी है। नहीं तो माता रानी यहाँ पे, हाँ यहाँ स्थापना हुआ है। अच्छा तो कैसे आई से माता रानी यहाँ पे, ओखर बारे में बताओ ना। नीचे से निकला है ना। अच्छा नीचे से निकले है, 12 भुजा के है ना। अच्छा 12 भुजा के है रे। और ये तालाब के तालाब की क्या स्टोरी है? ये तालाब तो बहुत पुराना है, नहीं देखकर कुछ पानी नहीं जा सकता है, नहीं कभी पानी नहीं सूखे। तालाब होना एक अपन आप में बहुत आश्चर्यचकित बात है। ये तालाब किसे आई इसकी जानकारी नहीं है। अच्छा वही जानकारी नहीं है। और वो गुफा के, गुफा में वही झरना है जी, नहीं वो खर जो शिवलिंग है, शिवलिंग इतना या उतना जाए है। हाँ मड़िया के जाल लगते ना, घुटन के जाए है ना अंदर, और फिर घुटन के पास पीछे निकल। ठीक ठीक ठीक, हम लोग जाएंगे अभी शिव जी की गुफा की ओर, और इस तरीके से जाना है। ये मंदिर वाले रोड तो खत्म हो गया। शंकर गुफा विकास मृत्युंजय कल्याण समिति यहाँ पर चैतुरगढ़ का है, तो इधर जाएंगे हम लोग। चलिए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं। तो ये था धर्मशाला, पहले इसमें रुकते थे लोग, और ये भी बना हुआ है भवन। तो ये दोनों चीज़ बना हुआ है यहाँ पर रुकने के लिए, बहुत बढ़िया सामान्य भवन है ना। तो क्या है, एकदम खंडर बना दिया अब, क्या देख देखाओ और कोई होगा ही नहीं देखने के लिए, तो इसके कारण से ये पूरा ख़राब हो गया है। प्रसाद भवन के भी बोलते थे इसको, प्रसाद भवन है देखो। तो ये है, नीचे से दिखाया था सिंह द्वार, वो यही है। रेस्ट हाउस दूरी 30 मीटर, तो यही आसपास का है, वहाँ पर भी है रेस्ट हाउस है ना। और ये बना हुआ है भाई कुछ इस प्रकार से, यही सिंह द्वार है, जैसे कि नीचे से दिखाया था आपको। हनुमान जी का मंदिर है, ये हनुमान जी है। और बिहट जंगल है भाई, एकदम पहाड़ी के ऊपर है। जय बजरंगबली यहाँ पर लिखा हुआ है। ये क्या चीज़ है भाई, वाओ देखो पुरानी छड़िया दिख रहे हैं यहाँ पे। वाओ क्या व्यू है भाई, ये तो ये देख पा रहे हो क्या जबरदस्त व्यू है। और इधर से इधर भी देख सकते हो, ये देख पा रहे हो पूरा, बहुत सुंदर सा जगह है। चलिए शंकर गुफा, दूरी 2 किलोमीटर अभी और बची हुई है। ये देख पा रहे हो पूरा खाली मैदान है भाई, और वो भी जंगल झाड़ी के साथ। जय शनिदेव। और शंकर गुफा यहाँ पर 2 किलोमीटर दिखा रही है। ये देखिए व्यू व्यू व्यू, गार्डन भी है यहाँ पर बहुत सुंदर से। चैतुरगढ़ का व्यू पॉइंट भी लेके जाने वाला हूँ दोस्तों, ये रहा व्यू पॉइंट। देखो अभी भी धुंध धुंध नज़र आ रहा है, कितना ओस जमा हुआ है अभी भी। और ये है रेस्ट हाउस, यहाँ भी आप रुक सकते हो। सो दोस्तों यहाँ पर डेंजर जोन है, और यहाँ पर है कॉटेज बोले तो रूम, आप लोग यहाँ पर रुक सकते हो। और ये है भाई सेल्फी जोन, व्यू पॉइंट बोल सकते हो, काफ़ी खूबसूरत सा जो है जगह है, हिल स्टेशन जो है, यही है भाई वो व्यू पॉइंट। देख पा रहे हो इस तरीके से नज़ारा, पूरा धुंध ही धुंध नज़र आ रहा है, पूरा नज़ारा देखिए भाई पहाड़ों की। और ये है व्यू पॉइंट के नज़ारे। अच्छा यहीं से तो आए हम लोग, यह देख पा रहे रोड बनी हुई है यहाँ पे, हम लोग ऐसे ही आए हैं कट 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 करके, पॉइंट से आ गए हैं दोस्तों। और हम लोग जा रहे हैं यहाँ पर शिव गुफा, यहाँ पर है, देख पा रहे हो इस रोड पे जाना है आप लोग को, कितना बेहतरीन सा रोड बना हुआ है। और आप लोग जा सकते, इससे पता भी चलेगा कि इधर है, क्योंकि रोड भी साफ़ सुथरा है बढ़िया। तो ये पहाड़ है और ये पहाड़ दोनों के बीच से रास्ता बना हुआ है, बहुत खूबसूरत सा रास्ता है, देख पा रहे हो पेड़ पौधे के साथ। सो दोस्तों यहाँ पर तक पहुँच गया है, बहुत दूर आ चुके हैं पैदल पैदल, हाथ पैर थक गया है भाई। दो रास्ता नज़र आ रही है, लेकिन किस रास्ते पे है कंफर्म नहीं है, और यहाँ पर कोई बोर्ड वोर्ड भी मेंशन नहीं हुए हैं। तो देखते हैं कौन सी वाली, राइट वाली लेफ्ट वाली, एक बार दिखाता हूँ मैं आप लोग को। दो रास्ता है, एक रास्ता है, दो रास्ता राइट वाले में जाना, मस्त रास्ता है। ये पहाड़ी से बीच में पत्थर ही पत्थर दिखेगा वो वाला रास्ता है, ये प्लेन है, और आगे से जाके दोनों एक साथ मिल जाएंगे, टेंशन नहीं लेने का। जैसे तैसे हम लोग 1.5 से 2 किलोमीटर लगभग आ गए हैं, और ये कुटिया बना हुआ है, देख पा रहे हो इस तरीके से लकड़ी का, कुछ शॉप वॉप लगा हुआ है यहाँ पे, चूल्हे वूल्हे जला तो हुआ है यहाँ पे। तो अभी सो दोस्तों हम लोग अभी आगे बढ़ रहे हैं, ये देख पा रहे हो कुछ इस तरीके से यहाँ पर ट्रैकिंग करेंगे। सो दोस्तों ये ट्रैकिंग करते करते मैं आगे बढ़ रहा हूँ, अभी नीचे उतर रहे हैं, देख पा रहे हो कुछ इस तरीके से, खतरनाक खतरों के खिलाड़ी। और जो आने के टाइम ना हम लोग बहुत दिक्कत होगा, जाने के टाइम तो कोई दिक्कत नहीं हो रहा, नीचे उतर रहे हैं हम लोग।
ये देख पा रहे हो पत्थर पत्थर फिसलते हुए, और यही है भाई जो गुफा है जहाँ पर शिव जी के ये रास्ता है भाई। टेढ़ी मेढ़ी रास्ते हैं, और ये देखिए पहाड़ों, ये चट्टाने पत्थर, अभी पहाड़ के नीचे उतर रहे हैं हम लोग। देख पा रहे हो कि शंकर गुफा के लिए इधर भी एक मंदिर है, यहाँ पर आदिशक्ति माता रानी जी की जय। और यहाँ पर 300 मीटर की लगभग की दूरी है, और ये लास्ट दुकान रहेगा यहाँ पर, ये लास्ट दुकान है मंदिर से पहले। और ये सीढ़ियाँ बनी हुई हैं यहाँ पे, इस तरीके से जाना, सीढ़ी से नीचे उतरना है, और देख पा रहे हो कितनी खाई है भाई। चलो अभी आगे बढ़ते हैं और देखते हैं। इस तरीके से खड़ा चढ़ाई है भाई, एकदम खड़ा सीढ़ी है पत्थर पत्थर का, तो इसी में अभी नीचे उतरना है। थोड़े दूर नीचे हैं फिर मंदिर है, ये भाई वहाँ बहुत दूर है यहाँ पे। इस तरीके से नीचे उतरते हैं, तो इस तरीके से खतरनाक सीढ़ी देख पा रहे हो, एक एक सीढ़ी देख देख के चलना पड़ रहा है। और अभी आया थोड़ा बराबर रास्ता है, थोड़े दूर में मंदिर है, बस पहुँचने वाले हैं, तो चलिए निकलते हैं, जल्दी जल्दी पहुँचते हैं मंदिर में, दर्शन करते हैं भाई साहब। अरे बाप रे, अरे बाप रे, देखो कितने ऊपर से आ रहे, एकदम खड़ा चढ़ाई है ना, भैया लोग भी आ रहे हैं। और ये देख पा रहे हो इस तरीके से पूरा नीचे उतर गया मैं, ये इस तरीके से सीढ़ियाँ हैं, पत्थर पत्थर है, इसमें रेतीली है ना, थोड़ा फिसल सकते हो आप। धीरे से आना, आराम से आना, आप अगर आ रहे हो यहाँ पे तो हो स्पीड से मत आना, फिर फिसल जाएगी। बारिश के दिन में तो बहुत ज़्यादा पैर फिसलने वाली है दोस्तों, तो देख के आना। तो दोस्तों मैं आ चुका हूँ पानी का बोतल लेके मंदिर के पास, शिव गुफा के पास। हालत बहुत ख़राब हो चुका है, क्योंकि 300 मीटर लिख के भाई 3 किलोमीटर और चलवाती है, टोटल 5-6 किलोमीटर चल गए हैं, 2.5 किलोमीटर लिखा था। और यही वो गुफा है, देख पा रहे हो किस तरीके से है भाई, ये दुकान बना हुआ है ज़बरदस्त टाइप में। और यहाँ पर बोतल रख देता हूँ मैं, ये देखो भाई, ये गुफा है शंकर जी का, शंकर गुफा पावन धरा। और यहाँ पर कौन है देखते हैं भाई, भारी खतरनाक गुफा है भाई ये तो। मैं पहुँच चुका हूँ दोस्तों शंकर गुफा पर, देख पा रहे हो नेचुरल गुफा है। और यहाँ पर कुआं है एक, बहुत ही पुराना, इसको कुंड बोला जाता है, ऊपर से पानी रिस रहे। और ये कुंड है, कुआं नहीं है, कुंड है, छोटा सा पानी रिस रहे। और ये महाराज के लिए जगह बना हुआ है यहाँ पे। तो ये देखो दीवार में देखते हुए लोहे पत्थर है यहाँ पे, और यहाँ पर मंदिर है, देख पा रहे हो यहाँ महाराज जी बैठते हैं। तो दोस्तों यहाँ पर देख पा रहे हो संत भैया पूरा लेट चुके हैं, ये भोले बाबा और अखंड ज्योति यहाँ पर जल रही है, आप लोग देख पा रहे होंगे इस तरीके से भाई, ये देख पा रहे हो कैसे है पूरा सांप वाप का बिल टाइप में। यहाँ पर अखंड ज्योति है, यहाँ पर बर्तन भाड़ा है महाराज जी का। चल लोग यार भाई अंदर ना थोड़ा सा ऐसे है बोल उठने का, विकास भी बस अंदर गए हैं अभी, और जा रहे भाई खतरनाक गुफा है, पहली बार आया हूँ मैं तो भाई, बहुत अंदर है भाई, है नहीं संतु भी घुस नहीं पा रहे यहाँ पे, मोटे होने का भाई ऐसा मत बोल, घुस जाऊंगा। जय भोले बाबा, जय भोले शंकर, जय भोले शंकर। संतु भी आगे बढ़ते जाइए ना, आप फ्लैश वाले आप आगे बढ़ो, नहीं आप नहीं जा पा रहे हो क्या? नहीं ऐसा बात नहीं भाई, नहीं तो आगे बढ़िए ना, कैसे कर, एक घुलट घुलट की नहीं भाई, मैं तो फिसलते हुए आ रहा हूँ। जय भोले शंकर, मेरे पीछे भी आ रहे हैं, आ जाओ भाई, आ जाओ आ जाओ आ जाओ भाई, आप दर्शन करने, डरने कोई चिंता नहीं है, आ जाओ विकास भाई, भाई इनकम खतरनाक है भाई, ये देखो अंदर जा था, फ्लैश हो गया, आ जाओ देखिए, हर हर महादेव, जय भोले बाबा, भोले बाबा। चलो अंदर आगे घुस, अरे घुसो ना, वापस चलते हैं, बड़ो भाई और मैं फोटेज तो ले लूंगा, तो विकास भैया का फोटेज आगे लूंगा मैं, क्योंकि उनसे ले लूंगा मैं। संतु भैया का फोन लेके विकास भैया गए हैं, ये थोड़ा मोटे होने के कारण नहीं जा पा रहे, नहीं नहीं मोटा वाला नहीं भाई जगह आते जाते नहीं पड़ता ना, वो निकलेगा तब तो हम जाएंगे, ट्रैफिक ज्यादा हो जाएगा, तो इस प्रकार से हम लोग आगे बढ़ रहे हैं। और हर हर महादेव, करते जाइए ना, आप फ्लैश वाले आप आगे बढ़ो, नहीं आप नहीं जा पा रहे, हमारे भाई लोग भी पीछे से आ रहे हैं,
पैंट में पोछा लगा दिया हूँ और संतु भी है, देख रहे थोड़ा सा बढ़ाओ, बस बस बस, क्या ना मोबाइल पकड़ के चलते नहीं बनता, देख रहे फोटो, ये भगवान, आ जाओ विकास भाई, देख रहे कंटेंट, देख रहे भाई, जय भोले बाबा, जय भोले बाबा, सबको बांट दे रहे, बचा के, बचा के, ये क्या है, पहुंच गया भाई, राहुल भी बाहर बैठे हैं और ये देखो सच्चाई सच्चाई यही है, देखना लगभग लगभग, हाँ निकल गए निकल गए निकल गए, ले देख निकल गए, ये विकास भी आ रहे हैं। तो दोस्तों इस व्लॉग को यहीं पर एंड करते, वीडियो पसंद आई होगी तो लाइक शेयर कमेंट करना, चैनल पर नया तो सब्सक्राइब करो ताकि नई नई वीडियो का अपडेट आप तक पहुँच सके। चैतुरगढ़ का माता रानी का मंदिर भी दिखा दिया आप लोगों को, गुफा भी दिखा दिया, तालाब भी दिखा दिया, तो इस तरीके से था यहाँ पर चैतुरगढ़ गुफा का नज़ारा और शंकर गुफा भी दिखाया आप लोगों को, काफ़ी सुंदर सा यहाँ पर नज़ारा था दोस्तों। तो ट्रैकिंग भी बहुत अच्छा है यहाँ पर, अगर ट्रैकिंग का शौक है तो यहाँ पर बहुत ही अच्छी जगह है आप लोग के लिए आने के लिए। तो ठंडी के टाइम ही आना भाई, गर्मी के टाइम तो बहुत ज़्यादा गर्मी लगेगा आप लोग को, तो ठंडी के टाइम बेस्ट है, और कार में आओगे तो ऊपर तक कार लेके आना, ये भी बेस्ट है। तो चलिए दोस्तों मिलते हैं नशोर, तब तक बने रहे, बाय 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 बाय। सो दोस्तों आज है कोरबा टूरिज्म प्लेसेस की पहली दिन, और पहली दिन हम लोग करने वाले हैं चैतुरगढ़ गुफा, चैतुरगढ़ मंदिर का पूरे से अच्छे से दर्शन, और हम लोग फाइनली कर चुके हैं, अभी स्टार्ट तो कर दिए थे और फाइनली ओके हो गया। अब हम लोग सेकंड जगह जाएंगे जो कि कोरबा जिला के दूसरी प्लेस रहेगा, बहुत ही अच्छा खूबसूरत जगह लेकर ही जाएंगे आप लोग को।